आचार्य आर्यभट्ट के जन्म दिवस के अवसर पर स्मरण हो रहा है कि उनके द्वारा रचित आर्यभटीय ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। उस ग्रंथ के प्रस्तावना में एक श्लोक उद्धृत है जिससे पूर्णतः स्पष्ट होता है कि इनका जन्म 476 ईस्वी में तथा पाटलिपुत्र के समीप में स्थित कुसुमपुर नामक स्थान में विप्र परिवार में हुआ था। आर्यभटीय ग्रंथ जो उनके द्वारा रचित है उसके दो भाग हैं। पहला भाग दशगीतिका कहलाता है और दूसरा भाग आर्या अष्टशत के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों भागों में ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की चर्चा, सौर मास चांद्र मास की चर्चा, ग्रह व्यवस्था, राहु केतु की स्थिति आदि बातें स्पष्ट हैं। कृत्रिम उपग्रह की रचना द्वारा सर्वप्रथम इन्होंने भारतवर्ष का नाम और अपना नाम विश्व स्तर पर भासमान किया था। मैं उनकी इस पुण्य उनकी जयंती तिथि के अवसर पर बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मेरा परिचय है कि मैं आचार्य लालभूषण मिश्र जागीप हूँ। भारतीय विद्यापीठ गुरुकुल महाविद्यालय का अवैतनिक प्राचार्य हूँ तथा संज्ञा समिति गया धाम गया के नाम से संस्था चलती है उसका मैं भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ।